memory management techniques. Operating system use various memory management methods to manage the primary memory, that is RAM. As we know, the degree of multiprogramming is very important. The degree of multiprogramming says that keep more and more number of processes in the main memory, that is RAM, so that whenever CPU needs for a process to execute, जब भी CPU मांगेगा कि मेरे को कोई process दो execute करने के लिए, I will be having a plenty number of processes available in my RAM. तो ज़्यादा से ज़्यादा processes मेरी RAM में तभी होंगे अगर degree of multiprogramming high होगी. जैसा कि like memory हम जानते हैं, memory is what? Memory is a large array of bytes. And every byte is having some address. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Memory को हम divide कर देते हैं. Let's say memory को हम divide कर रहे हैं या partitioning में divide कर देते हैं. अब मेरे जितने भी processes आ रहे हैं, my main motive is what? Memory management technique का main motive क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा processes को you have to keep in the RAM. यानी ज़्यादा से ज़्यादा processes को हमें ready state में रखना है. अगर रेडी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे तो डेफिनेटली मैं उनमें से एक को उठा के रनिंग स्टेट में दे दूंगा. फिर अगर वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है या किसी वजह से वो कह रहा है कि मुझको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर वो जा रहा है, लेट से कि अगर मैं सिंपल सी का कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सी के कोड में अगर मैंने वहां पर लिख दिया लाइक एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि इफ आई वॉन्ट टू रीड द इनपुट फ्रॉम अ फाइल, let's say there is some file xyz, some xyz dot txt file, some content is written in this file, कुछ भी content है, let's say some name is written. अब जो भी content इस file में लिखा है, let's say I want to print that data or print that whatever written in this content, उस content को मेरे को print करवाना है monitor के ऊपर या let's say printer के ऊपर print करवाना है. तो इस कोड में हम क्या लिखेंगे कि इस फाइल को रीड करना है और फिर उसको राइट करना है या प्रिंट करना है उस कंटेंट को मॉनिटर पे. तो नाउ अगर ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, एक एक करके जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो यहां पे हम डेफिनेटली हम यहां पे वी यूज अ सिस्टम कॉल, दैट इज रीड सिस्टम कॉल वी यूज. तो रीड सिस्टम कॉल में हम जनरली लिखते हैं कि लाइक कहां से मुझे रीड करना है, तो उस फाइल का नेम वी यूज कि फाइल का नेम साइज, दैट इज अ जनरल थिंग कि कहां तक मुझे उस कंटेंट को रीड करना है. तो जब वो फाइल नेम यहां पे मेंशन करते हैं, ये फाइल कहां पे पड़ी है, ये फाइल एक्चुअल में हार्ड डिस्क में पड़ी है. तो यानी एक रनिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉज रनिंग, वो बीच में क्या बोल रहा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है. दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता है, बट एक्चुअल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना का मतलब क्या है कि या वो किसी फाइल को रीड कर रहा है हार्ड डिस्क से, या किसी प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, मॉनिटर को एक्सेस कर रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. तो सीपीयू बोलेगा ठीक है चला जा उसको एग्जीक्यूट कर. तो जब सीपीयू की रेंज से वो प्रोसेस बाहर हो गया तो सीपीयू तो खाली बैठ जाएगा. तो इसीलिए हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई रखते हैं ताकि जब भी सीपीयू किसी भी सिचुएशन में आइडल होने लगेगा, हम उससे पहले ही रेडी स्टेट में दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को अलॉट कर देंगे. तो इसीलिए जितने ज्यादा प्रोसेसेस मेरे पास रेडी स्टेट में अवेलेबल होंगे, तो यानी उतना ही मेरा बेनिफिट है, उतना ही मैं सीपीयू को ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूं. और ऑब्वियसली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई करने के लिए या रेडी स्टेट को भरने के लिए मेरे को रैम को, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, उसको मुझे प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा. तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है. तो यानी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम बेसिकली ब्रॉडली ये दो टाइप्स की हैं, वन इज अ कॉन्टिग्यूस, अनदर इज अ नॉन कॉन्टिग्यूस. कॉन्टिग्यूस में फिक्स्ड पार्टीशनिंग आती है एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग. फिक्स्ड पार्टीशनिंग को हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, स्टैटिक, एंड दिस इज नॉन एज डायनामिक. मींस हम रैम को बेसिक सा आइडिया दे रहे हैं बिकॉज वी विल टेक वन बाय वन ईच एंड एवरी टेक्निक, बट यहां पे जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं. हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक लेट से इन माय हार्ड ड्राइव
lot of, let's say this is my memory blocks, means in the RAM, this is general concept ki RAM ko humne blocks mein ya partitioning mein divide kar diya. Let's say ab mere paas ek process aaya P1 process. To hum kya karte hain yahan pe, P1 process ko hum pura ka pura kisi particular block mein adjust kar denge. Matlab pure ke pure process ko hum kisi na kisi block mein, memory ke block mein. Ye kaun si memory hai? That is RAM, main memory. Aur main memory ke sare blocks ko, yani main memory ki jitni full capacity hai, hum puri capacity ko use nahi kar sakte, because jaise hi hum system ko on karte hain, operating system, sabse pehle operating system mount ho jata hai main memory ke andar. Kuch content, kuch area operating system cover karta hai main memory ka, baki ka jitna bacha hua portion hai wo hum kya karte hain, zyada se zyada processes ko hum usme bharne ki koshish karenge taki meri degree of multiprogramming high ho sake. To contiguous, naam se hi pata lag raha hai, contiguous. Contiguous means continuous allocation. Matlab hum jitne bhi processes aa rahe hain, similar kind of processes aa rahe hain, hum unko continuous amount of memory provide karenge. Let's say ek process hai, us process ke like 4 blocks hain. Let's say B1, B2, B3, B4. So, we basically kya karte hain, unko continuous memory allocation denge, continuous address provide karenge. Jaise agar, let's say yahan pe P1 aa raha hai, to P1 ko maine yahan pe allocate kar diya. Uske baad P2 aa raha hai, next P2 process. So, we try to keep in the continuous addresses. That is the simple meaning of contiguous allocation. Aur isme bhi hum do cheeze use karte hain, fixed partitioning and dynamic partitioning ya variable partitioning. Matlab hum memory ko ya to hum fixed divide kar sakte hain, particular size ke slots bana sakte hain, ya fir hum koi slot nahi banayenge. Jaise hi process aayega, process agar aa raha, process bol raha hai ki mere ko 1 MB chahiye, to jab wo bolega 1 MB, to main usko dynamically run time pe 1 MB RAM mein allocate kar dunga. To iske apne kuch advantage disadvantages hain, so that will be discussed in further videos. So fixed partitioning or dynamic partitioning, basically, if I talk about fixed partitioning, so it was used long back. Matlab near about 1960s ke time pe use karte the, hum main frames mein. Jab main frames, jo bahut bade servers jo the, wahan pe hum use karte the. To gate ke point of view se bahut zyada important nahi hai, but academic point of view se important hai. Aur second importance kya hai? Nowadays we are using these kind of techniques. इस टेक्निक तक हम यहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो टेक्निक का बेस कहां से बना है? इन्हीं से. तो यानी उन टाइम पे जो टेक्निक यूज होती थी, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम फर्दर इवोल्यूशन करते चले गए. तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस तो है ही. ऐसी नॉन कॉन्टिग्यूस, नॉन कॉन्टिग्यूस मींस नाम से ही पता लग रहा है कि हम कॉन्टिन्यूस एलोकेशन नहीं कर रहे, नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन कर रहे हैं. इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि अगर एक प्रोसेस है, लेट्स से अ प्रोसेस कैन बी, प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड और प्रोसेस कैन बी पुट इन द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द मेमोरी. वी आर नॉट पुटिंग इन द कॉन्टिन्यूस. लेट्स से देयर इज अ प्रोसेस पी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेस को हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं. लेट्स से इस प्रोसेस की 4 पार्टीशनिंग है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की 4 पार्टीशनिंग कर दी, P1 P2 P3 P4 एंड नाउ द मेमोरी ब्लॉक, दिस इज द मेमोरी ब्लॉक इन द रैम. सो एज वी नो कि सम ऑफ द पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय operating system. Now let's say ki one of the partitioning is having P1. In the continuous, the next partitioning, let's say ki this address, the address is let's say 0 to 20, address is taken by operating system. So 21 to, yeah, let's say this is 40. So 21 to 40 address is taken by the partitioning P1. Contiguous mein kya hoga? Next partitioning P2, P3, P4. मतलब हम continuous allocate करेंगे उसको, so that जब हम एक process को search करेंगे, जब CPU बोलेगा कि मेरे को उसमें ये instruction को search करना है, तो मेरी searching जो है वो कहीं ना कहीं fast हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा process
20th से स्टार्ट होके लेट से कि यानी 20th लेट्स गिव सम एड्रेस 60 80 100 120. सो कॉन्टिग्यूज में हम क्या करेंगे, P1 पार्टीशनिंग को यहां, P2 को, P3 को, P4 को, तो मींस कॉन्टिन्यूसली एलोकेट करेंगे. बट नॉन कॉन्टिग्यूज में अगर P1 मेरा यहां पे है तो P2 कैन बी पॉसिबल कि वो किसी दूसरी लोकेशन में हो सकता है. सम ऑफ द एड्रेसेस लाइक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो लेट्स से कि P3 मेरा यहां पे आ गया, P4 मेरा यहां पे, दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर प्रोसेस. यू कैन से दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर प्रोसेस. ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आएगा, एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस की अलग अलग पार्टीशंस आ सकते हैं और उनका कॉन्टिन्यूस एलोकेशन नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एलोकेशन होगा. कहीं भी उनको हम सेपरेटेड कहीं पे भी किसी भी अलग अलग लोकेशंस पे हम उसको डाल सकते हैं. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन कॉन्टिग्यूस. तो हम लेट से कि P1 को यहां डाल दिया, यहां पे किसी और प्रोसेस का पार्टीशन पड़ा, यहां पे P3 को डाल दिया, P4 को, P2 को, ऐसी किसी और प्रोसेस की पार्टीशनिंग भी बीच में आ रही है, तो दैट इज अ नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन. और इसमें जो मेजर हम यूज करते हैं दैट इज पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग. सो इनके बारे में हम अब एक एक करके वी विल सी कि व्हाट इज द फिक्स्ड पार्टीशनिंग, व्हाट इज द वेरिएबल पार्टीशनिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.